नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं माया सूर्यवंशी। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रवा इडली, जो हम बनाने वाले हैं तड़के वाली। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लेना है, ये लगभग 150 ग्राम रवा हमने यहाँ पे लिया है। एक बड़ी कटोरी दही ले लेना है, एक मिर्च कटी हुई, मीठा सोडा, कड़ी पत्ते, राई दाना, जीरा और तेल और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में ये रवा डाल लेंगे। अब इसमें दही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखेंगे ताकि ये जो रवा है हमारा वो अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए हमारा ये बैटर एकदम अच्छी तरह से बन के तैयार है। इसे लगभग 15 मिनट के लिए हमें ढक के रख देना है ताकि जो रवा है हमारा वो अच्छी तरह से पानी को अब्जॉर्ब कर ले। तो इसे हम रख देते हैं ढककर। इडली के लिए हम तड़का पैन को गर्म कर लेते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे। जब तक हमारा बैटर सेट होता है तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। जीरा डालेंगे, कुछ कड़ी पत्ते और थोड़ी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस बंद कर लेंगे। अभी हमारा तड़का बनकर एकदम तैयार है। जब हमारा बैटर सेट हो जाएगा तब हम इसे इसमें डाल देंगे। हमें इसे गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं डालना है, इसलिए हमने इसे पहले ही बना लिया है। 15 मिनट के बाद ये हमारा बैटर एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसमें ये तड़का डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। हमने इसमें नमक भी नहीं डाला था, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सोडा अभी हमने नहीं डाला है। पहले हम अपनी इडली के स्टैंड को तैयार कर लेंगे तेल लगाकर, फिर इसके बाद ही हम सोडा डालेंगे। तो स्टैंड हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसमें खाने का सोडा डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये काफी अच्छी तरह से फूलने लगा है। अब हम इसे स्टैंड में रखते हैं। इस तरह से सारे स्टैंड को तैयार कर लेना है। सभी स्टैंड को हम बर्तन में लगा देंगे। इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक हम अच्छे से पकने देंगे। तो हमारी ये इंस्टेंट रवा इडली बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।